50 पैसा भी है, 50 पैसा अभी तो नहीं चलेगा इसको तो। क्या होता है, 1 रुपये में ठेंगा बनाया होता है, इसका मतलब ये होगा 1 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा। उन लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, आप लोग के लिए नहीं जो इसे बेकार लगता है, बेकार लगता है फिर भी आप लोग देखते हो। ये तो जेन्यून नहीं है यार, ये है मेरा खजाना और इसे मैंने 4 साल में कलेक्ट किया है। जब मैं यहाँ इंजीनियरिंग में आया था अराउंड अगस्त 2014 और आज है 1 अप्रैल 2018, तो ऑलमोस्ट 4 साल होने को हैं और मैं इसे आज ख़त्म करने वाला हूँ, अनबॉक्स करने वाला हूँ। देखते हैं कितना है इसके अंदर। ये मैं जस्ट फन के लिए बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अनबॉक्सिंग है या कुछ भी है, जस्ट फॉर माई मेमोरी मैं इसे बना रहा हूँ और दिखाना चाहता हूँ आप लोग को भी कि मैंने 4 साल में कितना कलेक्ट किया। ये मेरा सेविंग्स है, मेरे पास जो पैसे बचते थे मैं इसमें ला के डालता था और अभी मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसे अब तोड़ने वाला हूँ। ओके, तो देखते हैं, गिनने में आधा एक घंटा लग जाएगा, मैं अपने दोस्त का मदद लूँगा इसको गिनने में, लेकिन चलिए अभी सबसे पहले तो इसे तोड़ते हैं। तोड़ते मतलब काटते हैं। ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स है, मैंने एक घड़ी खरीदा था इसकी इसी बॉक्स में आया था, वो घड़ी तो कब का टूट गया। ओके, लेकिन ये अभी भी है, चलिए देखते हैं। आहा, तो देख लो इसके अंदर कितने सारे, मैं तो चलिए मैं एक अंदाज लगा रहा हूँ, उसके हिसाब से इसमें 3000 रुपीज़ होना चाहिए, 2800 से लेके 3000 मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होना चाहिए। और अब गिनने के बाद मैं बताता हूँ आपको कितना है, तो मैं अपने दोस्त का मदद लूँगा इसको गिनने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो स्टार्टिंग, अभी काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है। पैसा भी है, 50 पैसा अभी तो नहीं चलेगा इसको तो, फिर भी इसको मैं एक्स्ट्रा रखूंगा इसमें। एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, जो पहले का 1 रुपया का जो सिक्का होता था उस पर ये देखिए ग्रेन्स, वेट ग्रेन्स बनाया हुआ करता था, ग्रेन्स मतलब ये हुआ कि उस समय के जमाने में 1 रुपये में कुछ अनाज मिल सकते थे। ओके, लेकिन आज के जो सिक्का होता है 1 रुपये में ठेंगा बनाया होता है, इसका मतलब ये होगा 1 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा। आई डोंट नो, मेरा लॉजिक यही बोल रहा है, 1 रुपये में देखिए ठेंगा बनाया हुआ ऐसा ऐसा वाला, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पहले भी ग्रेन्स बनाया हुआ करते थे तो ग्रेन्स मिल सकते हैं, देखते हैं। साले एक दो तेल भी नहीं रहता आपके पास, साला भिखारी है साला। 5 कुछ तो खरीद लिया करो। 2 रुपये और देख ना, इसमें डाल इसमें डाल सब डाल दे। 100
बस इतना ही है। चला एक दो चौदह सौ पंद्रह सौ पंद्रह सोलह सौ सत्रह सौ काफ़ी धोखा हो गया मेरे साथ। मैंने सोचा था कि अराउंड 2800 से लेके 3000 का एक्सपेक्ट किया था कि इतना होगा, बट हुआ कितना, सिर्फ 1679 रुपीज़। मेरा मेस फीस भी नहीं होगा इतना में तो एक महीना का। मैंने सोचा था करूँगा कुछ कुछ, लेकिन इतना में क्या होगा और कुछ नहीं होगा, जो है जैसा है यही है। बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था, चार साल मतलब लगभग 1400 दिन 1400 डेज में मैंने कलेक्ट किया है 1679 रुपीज़। तो एवरेज मान के चल सकते हो एक रुपया एक दिन में, लेकिन बहुत दिनों से नहीं डाल रहा था। पहले थोड़ा पैसा ज़्यादा आता था घर से तो डालता था, आजकल देखना नहीं आता, तो यही है। तो ये वीडियो देखना है तो देखना, आप नहीं देखना है तो मत देखना। ये अपने मेमोरी के लिए बनाया हूँ, यूट्यूब पर डालूंगा और टाइटल वगैरह क्या डालूंगा आई डोंट नो, सोच के डाल दूंगा कुछ। बट यही है कि इतना पैसा कलेक्ट किया, अभी जाके आप खाऊंगा शाम को मस्त, ठीक है। और हाँ, मेरा यूट्यूब का पेमेंट भी आने वाला है और फ्लिपकार्ट से भी पेमेंट आने वाला है, तो देखते हैं। आज 1 तारीख है, आज तो आ जाना चाहिए फ्लिपकार्ट वाला, देखते हैं जो भी है। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता था, मैं सोच रहा हूँ बोलूँ या ना बोलूँ, मेन मैटर वो करता है। मैं सोचा था जब मेरा YouTube से फर्स्ट पेमेंट आएगा मैं कुछ परसेंट उसका किसी को डोनेट करूँगा, जो कि बहुत नीडली है, जिससे एकदम सख्त ज़रूरत है पैसों की। मतलब कुछ वो लोग जो एडमिशन नहीं कर पा रहे थोड़ा पैसा के लिए, या फिर थोड़े पैसा के लिए इलाज नहीं हो पा रहा है। ये नहीं कि गर्लफ्रेंड को खिलाना है, वो नीडली नहीं, ओके जेन्यून वाला। तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो, अगर मुझे वो रीज़न जेन्यून लगा तो फॉर श्योर मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। पर ज़्यादा का उम्मीद मत रखना, क्योंकि मेरा यूट्यूब से ज़्यादा पैसा तो आया नहीं है अभी तक। जितना आया था मैंने सोचा था 30% अराउंड डोनेट करूँगा। तो आप कर सकते हो मुझे ईमेल, अगर मुझे लगा तो मैं फॉर श्योर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। वैसे वो पैसा मैं कब का खा के ख़त्म कर चुका हूँ, बट फिर भी एक जो मेरा विश लिस्ट में था वो ये है। तो मैं ऐसे ही जाके किसी को देने से अच्छा, अगर आप जितने मेरे सब्सक्राइबर्स लोग हैं उनमें से कोई बहुत नीडली है, जानते हो या फिर किसी को, तो आप मुझे ज़रूर बताओ, ओके। तो बस इतना ही, ये रहा ये ब्लॉग को, चाहे जो भी बोलो आप, मैं फिनिश करता हूँ। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि अब बोल ही रहा हूँ, ये फालतू वीडियो तो बना ही रहा हूँ मैं, ये वीडियो का कोई मतलब नहीं आता है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों से मुझे कमेंट में चाहे कहीं भी मालूम चला है कि मेरा वीडियोस अच्छे नहीं होते हैं, बहुत बेकार फालतू होते हैं। होते तो होते हैं ना, मत देखो यार तुम अगर बेकार है तो, क्यों सब्सक्राइब करके क्यों रखे हो तुम, अभी के अभी अनसब्सक्राइब कर दो। मेरे वीडियोज़ अगर पसंद नहीं आता है तो सब्सक्राइब करने की क्या जरूरत है। मैंने तो आपको ऐसा नहीं बोलता हूँ कि देखो ही देखो देखो ही देखो, मैंने तो कोई फोर्स नहीं किया है आपको। तो मुझे जस्ट मालूम चला है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर नहीं देखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मैं अपने लिए बनाता हूँ, अपने वो दोस्तों के लिए बनाता हूँ जो जिससे ये देखना पसंद है, ओके। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी है जो मुझे बोलते हैं बनाओ बनाओ, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, आप लोग के लिए नहीं, जो जिसे बेकार लगता है, बेकार लगता है फिर भी आप लोग देखते हो, ये तो जेन्यून नहीं है यार। अगर नहीं है तो नहीं है, डायरेक्ट सी बात, यही बोलना चाहूँगा। और अभी और वीडियो आने वाले हैं नेहू कैंपस से रिलेटेड, जो कि बहुत बुरे बुरे होने वाले हैं, तो आप देख लो। अभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो मुझे अगर पसंद नहीं आता है तो, और पसंद आता है तो फॉर श्योर लाइक करो एकदम मज़े वाला। और यही, और मिलते हैं आपसे।